मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन की किरकिरी होने के बाद मंगलवार को मामले में सरकार की एंट्री हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद विपक्ष भी सामने आ गया है। गृह मंत्री ने व्यवस्थाओं को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बातचीत की। वहीं गृह मंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। इंदौर में होली से ज्यादा उत्साह से मनाई जाने वाली रंग पंचमी की गैर 22 मार्च को निकाली जाएगी। इसके रूट को लेकर छाई धुंध अब छट गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में कहा कि गैर अपने परंपरागत मार्ग पर ही निकले। इसके लिए निगम ने कहा कि खुदे हुए रास्ते को समतल कर दिया जाएगा ताकि गैर सुव्यवस्थित तरीके से निकाली जा सके। हम गैर में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी हितकर होगा उसी अनुसार निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि वह सपना देखने वाले नेता हैं। कल हम ही सपना देख लें कि प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या बन जाएंगे? कमलनाथ सपना ही देखते रह जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जैन मुनि संत हैं, संत अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, संत ने महाराज को भी आशीर्वाद दिया है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की भव्य छटा देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। सबसे पहले भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पट खुलते ही चार धाम मंदिर पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस के मेटल डिटेक्टर और कुछ बैरिकेड्स भी गिर गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए, तब यह स्थिति बनी थी। यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाल ली। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे भुनाने में लग गई है, वह कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। अब कांग्रेस 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संकल्प पारित करेगी। इस तरह कांग्रेस बड़े वोट बैंक को साधने में लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।